नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे। हालांकि मेरी टीम जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करके देती है, विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से जल्दी का डेट मिलता है, जल्दी का हो गया। जैसे कि अभी के समय में अगर बात कर रहे हैं, देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से RPO का कब का डेट मिल रहा है। अगर अहमदाबाद की बात करो तो भाई 15 जून के बाद का डेट मिल रहा है, और अगर आप बात करो जयपुर की तो जयपुर का भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट मिलेगा। मतलब कि पूरा 1 महीने के बाद का डेट मिल रहा है जुलाई का, इतना लेट शेड्यूल चल रहा है। और हर जगह का, चंडीगढ़ का हो गया, वहां का भी अलग ही चल रहा है। गाजियाबाद का भी सीधे भाई एकदम अगले मंथ का मिल रहा है, मतलब इस मंथ के 28 दिन बाद का डेट मिल रहा है। तो हर आरपीओ का अपना अपना टाइमिंग होता है। कई सारे आरपीओ का 10 दिन बाद आरपीओ का डेट मिल जाता है, कई सारे आरपीओ का 1 महीने बाद डेट मिलता है, 15 दिन बाद मिलता है। तो अगर आप खुद से बुक कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भाई इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम बुक कर देगी। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर खुद से बुक करना है तो कैसे करोगे। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने लाइव प्रूफ दिखाया था कि आप आरपीओ का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे, और आरपीओ जयपुर का टाइमिंग होता है 1 बजे का, और 1 बजे ही आपको बुकिंग के ऊपर क्लिक करना होता है और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। आई नो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, आपको दूसरे दिन ट्राई करना है, तीसरे दिन ट्राई करना है, आपको 2 से 3 दिन अगर आप ट्राई करोगे तो 100% गारंटी की हो जाता है। अब फिर कुछ लोग करते हैं, सर आपसे तो हो जाता है लेकिन हम करने जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो भाई ये भी हो सकता है, देखो हम इंटरनेट भी मैटर करता है। अब हमारे पास क्या है कि हमने राउटर यहां लगा कर रखा है और पीसी से ही हम लोग ज्यादातर करते हैं मोस्टली, ये भी हो सकता है। अब मैटर ये हमेशा यही नहीं करता कि आप पीसी से ही करो, आप फोन से भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके एरिया में सही है तो आप तो फोन से भी कर सकते हो। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भाई खराब है तो आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको किसी और से ही बुकिंग कराना होगा। या तो आप चाहो तो सीएससी वालों से करवा सकते हो, जनसेवा केंद्र वालों से करवा सकते हो, या तो जहां पासपोर्ट अप्लाई होता है ऑनलाइन वहां करवा सकते हो, या जहां पर कोई भी चीज का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है उनको भी आप बोल सकते हो आरपीओ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो लोग भी ले सकते हैं। या फिर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और मेरी टीम जो है आपका अपॉइंटमेंट बुक करके देगी। ठीक है, जो भी चार्ज होगा उसका आपको एडवांस में जो होगा वो पे करना होगा, बाकी अपॉइंटमेंट के बाद आपको पे करना होगा। 2 से 3 दिन का टाइम देना होगा और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है भाई वो है आरपीओ अमृतसर का अपॉइंटमेंट बुक करना, और बाकी जगहों का तो ठीक है, रफ वहां भी रहता है लेकिन हो जाता है। अब अमृतसर का है, वहां पर बहुत ज्यादा रश चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई क्यों हमारा अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है, हम तो महीने से ट्राई कर रहे हैं, 15 दिन से ही ट्राई कर रहे हैं, तो आखिरकार में क्यों नहीं होता है। तो देखो, इसके पीछे का मेन रीजन है कि सीट जो मिलती है 75 सीटों का कभी कभी अपॉइंटमेंट रहता है, कभी 140 का रहता है, कभी 200 सीट का अपॉइंटमेंट रहता है, लेकिन अप्लाई करने वाले रहते हैं 1500 2000 3000 के आसपास लोग रहते हैं, इसलिए सभी लोगों का अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है। अब उन 1500 2000 लोगों में से उन्हीं का हो पाता है जो सही टाइम पर क्लिक करते हैं और उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होता है, उनका ही अपॉइंटमेंट बुक होता है। अब मेरी टीम जो है इसके ऊपर काफी टाइम से काम कर रही है, 1 साल से ऊपर हो गया, और मेरी टीम ने अब तक 1000 से ज्यादा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक किया है, और हमारे पास प्रूफ है उतने लोगों का, उतने सारे कॉन्टेक्ट का, जैसे कि आरपीओ गाजियाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, देहरादून हो गया, आपका जलंधर हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इन सारी जगहों का जो है मेरी टीम ने अपॉइंटमेंट बुक करा है और बहुत ही ज्यादा बुक करा है। और आरपीओ जयपुर का, अभी आरपीओ जयपुर का जो बुकिंग है 3 जून को स्टार्ट होने वाला है और आज है 1 जून, और मैं सोचा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाई आप बुकिंग आप हमारी टीम के साथ भी जुड़ के करवा सकते हो और आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।